हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम बनाएंगे पनीर बटर मसाला, वो भी रेस्टोरेंट स्टाइल में। पनीर बटर मसाला की ग्रेवी बहुत ही ज़्यादा थिक और क्रीमी होती है और ये बहुत ही आसान है, आप इसे बहुत ही आसानी से घर पे बना सकते हैं। सो अगर आपको ये रेसिपी पसंद आती है और आप मेरे चैनल पर नए हैं, देन डू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड हिट द बेल बटन फॉर द न्यू नोटिफिकेशन। और अगर पुराने हैं, देन डू लाइक एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। तो बटर मसाला बनाने के लिए सबसे पहले इसकी ग्रेवी बनानी होगी, जिसके लिए एक पैन लें और इसमें 1 टेबलस्पून के करीब बटर डालें और इसे हाई फ्लेम पर 1 मिनट के लिए गर्म करें। और उसके बाद इसमें डालें 1/2 टेबलस्पून के करीब ज़ीरा, 2 से 3 दालचीनी, 2 बड़ी इलायची, 7 से 8 लौंग, 2 से 3 हरी इलायची और इन सभी को अच्छे से मिक्स कर दें। और अभी फ्लेम को मीडियम कर दें और अब इसमें डाल दें कुछ काजू और इसे भी 10 से 15 सेकंड के लिए पकाएं। और उसके बाद इसमें डाल दें 2 से 3 हरी इलायची, 2 से 3 अदरक के टुकड़े और 7 से 8 कटी हुई लहसुन, इसे भी अच्छे से मिक्स कर दें। और अब डाल दें 4 से 5 कटे हुए प्याज। और अब फ्लेम को हाई कर दें और इसे 2 से 3 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर पकने दें। अब डाल दें इसमें 1/2 टेबलस्पून नमक और थोड़ी सी हल्दी, इसे भी अच्छे से मिला लें। और अब इसमें ऐड कर दें 3 से 4 कटे हुए टमाटर और इसे अभी हाई फ्लेम पर ही पकने दें। और इसमें डाल दें 1 कप के करीब पानी और अब फ्लेम को मीडियम करके इसे ढक दें और इसे 5 से 10 मिनट के लिए पकने दें। और इसे पकते हुए यहाँ 10 मिनट हो चुके हैं और आप देख सकते हैं कि टमाटर सब बहुत ही अच्छे से गल चुका है। और इसे हाई फ्लेम पर 1 मिनट के लिए पका लें। और अब फ्लेम को ऑफ कर दें और इसे ठंडा होने दें। जब ये अच्छे से ठंडा हो जाए तो इसे एक मिक्सर में डालें और इसे एक स्मूथ पेस्ट में ग्राइंड कर लें। और अब इस ग्रेवी को पकाने के लिए सेम पैन लें और उसमें 3 से 4 टेबलस्पून के करीब बटर डालें और इसे मीडियम फ्लेम पर 30-40 सेकेंड्स के लिए गर्म करें। यहाँ ध्यान रखें कि बटर को बहुत ज़्यादा गर्म ना करें, सिर्फ 30 से 40 सेकेंड काफ़ी है, वो भी मीडियम फ्लेम पर, हाई फ्लेम पर नहीं। और अब फ्लेम को लो कर दें और इसमें डालें 2 टेबलस्पून के करीब कश्मीरी लाल मिर्च और इसे अच्छे से मिक्स कर दें बटर के साथ। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इसका कलर बहुत ही ज़्यादा अच्छा आया है। अगर आप इसे हाई फ्लेम पर करते तो इसका कलर इतना अच्छा नहीं आता, इसीलिए इसे लो फ्लेम पर करें। और अब ऐड कर दें इसमें ग्रेवी और अब फ्लेम को मीडियम करके इसे अच्छे से मिक्स करें। अगर आप यहाँ पर कश्मीरी लाल मिर्च का यूज़ नहीं करना चाहते तो आप इस ग्रेवी के कलर के लिए फूड कलर भी यूज़ कर सकते हैं या फिर इसे सिंपल ऐसे भी छोड़ सकते हैं। और इसे 2 से 3 मिनट के लिए ऐसे ही मिक्स करते हुए पकाएं। और अब फ्लेम को लो कर दें और इसे ढक करके पकाएं 10 से 15 मिनट के लिए। यहाँ ग्रेवी को पकते हुए 15 मिनट हो चुके हैं, अभी फ्लेम को लो ही रखें और इसे एक बार अच्छे से मिक्स कर दें। यहाँ आप देख सकते हैं कि ये अभी से कितना ज़्यादा थिक और क्रीमी लग रहा है। और अब यहाँ डालें 1 टेबलस्पून नमक, 2 टेबलस्पून धनिया पाउडर, 1 टेबलस्पून जीरा पाउडर, 1/2 टेबलस्पून गरम मसाला पाउडर, 1 टेबलस्पून रेड चिली पाउडर, 1 टेबलस्पून चीनी। और अब इन सभी को अच्छे से मिक्स कर दें। और अब इसे लो फ्लेम पर ढककर फिर से 10 मिनट के लिए पकने दें।
और अब इसे पकते हुए यहाँ 10 मिनट हो चुके हैं और आप देख सकते हैं कि मसाला बहुत ही अच्छे से पक चुका है और ये बहुत ही ज़्यादा थिक भी है। यहाँ अगर आपकी ग्रेवी ज़्यादा थिक लग रही है तो आप इसमें पानी भी डाल सकते हैं और फिर से इसे 5 से 10 मिनट के लिए पका लें, जिससे कि पानी ग्रेवी के साथ अच्छे से मिक्स हो जाए और पक भी जाए। और अब इसमें डाल दें पनीर क्यूब्स। यहाँ मैंने 250 ग्राम के करीब पनीर लिया है। और अब ऐड कर दें 2 टेबलस्पून के करीब कसूरी मेथी। इसे अच्छे से क्रश कर लें और इसमें मिला दें। और अब इन सभी को अच्छे से मिक्स कर दें। यहाँ फ्लेम को मीडियम कर लें और इसे अच्छे से 1 से 2 मिनट के लिए और पका लें। और अब इसमें ऐड कर दें 3 से 4 टेबलस्पून फ्रेश क्रीम। इसे भी अच्छे से मिक्स कर दें और फ्लेम को ऑफ कर दें। सो हमारी थिक, रिच एंड क्रीमी रेस्टोरेंट स्टाइल पनीर बटर मसाला रेडी है। आई होप कि आपको ये रेसिपी इजी लगी होगी, क्योंकि ये बहुत इजी है भी, तो आप इसे बहुत ही आसानी से घर पे बना सकते हैं। और इसे सर्व करें बटर नान के साथ, जिसकी रेसिपी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे होम।